एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। रेनू ठाकुर आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर। बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार होगी और इसी के साथ आपके साथ साथ ये घर में पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। और अगर बात करें बच्चों की तो ये रेसिपी फेवरेट होती है। बच्चों को आप चाहे तो सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि क्या होता है ना, सभी के पास टाइम बहुत कम होता है, बच्चों का जल्दी जल्दी टिफिन तैयार करना होता है, तो बच्चों को आप ये रेसिपी एक बार टिफिन में जरूर दीजिएगा। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसी के साथ आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार जरूर खाइएगा, आपकी पूरी फैमिली को खिलाइएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरा चैनल है माई किचन रेनू ठाकुर, इसके सामने सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि वो ग्रे हो जाए। और इसी के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कुछ वेजिटेबल्स, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी और इसी के साथ खीरा, और यहाँ पर लिया है मैंने शिमला मिर्च। इन सभी सब्जियों को मैंने इस तरीके से बारीक यहाँ पर काट लिया है। आप इसको चाहें तो चॉप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको कद्दूकस में भी कस सकते हैं। बस होना यह है कि सारी सब्जियाँ जो हैं ये फाइन कट होनी चाहिए। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर लेंगे पनीर। पनीर लेंगे और पनीर को हम यहाँ पर हाथ से इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस में भी कर सकते हैं, आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसको हाथ से ही क्रम्बल कर दिया। हाथ से जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने हाथ से पनीर को फटाफट से यहाँ पर इस तरीके से क्रम्बल कर दिया। ये देखिए हो गई ना, बहुत ही आसानी से पनीर हाथ से क्रम्बल हो गया है। और अब हम इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे फन फूड का ब्रेड स्प्रेड 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसकी जगह पर टमाटो केचप भी ले सकते हैं, पर इसका जो टेस्ट है वो टमाटो केचप से ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेड स्प्रेड को यहाँ पर पनीर के साथ मिक्स कर दिया। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। स्पून से या फिर हाथ से जैसे भी आपको बेटर लगे आप इसको यहाँ पर मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए मिक्स हो गया ना। अब इसी के साथ हम इसमें दो चीज़ें और ऐड करेंगे, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो उनको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप ऐड करते हैं तो इसका जो टेस्ट है ना वो डबल होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे नमक, स्वाद के अनुसार बहुत थोड़ा नमक ऐड करना है, और इसी के साथ काली मिर्चें पीसी हुई। और इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर स्पून की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो इसको अब हम यहाँ पर साइड में कर देते हैं। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। इस मिक्सिंग बाउल में अब हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। सबसे पहले जाएगा इसमें शिमला मिर्च, इसके बाद जाएगा इसमें खीरा, और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, और इसके बाद फाइनली चॉप टमाटो, और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो है और बाकी सभी सब्जियाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर इस तरीके से गाढ़े दही का इस्तेमाल कीजिए, ये देखिए, या फिर आप इसकी जगह ले सकते हैं मेयोनीज़। हम यहाँ पर हेल्दी सैंडविच बनाकर तैयार कर रहे हैं तो मैं मेयोनीज़ को यहाँ पर स्किप करूँगी, और उसकी जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 4 छोटे चम्मच गाढ़े दही का, और इसका जो टेस्ट है वो सच में बहुत ही अच्छा है। मेरे घर पर ये सैंडविच अक्सर बनता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप सब लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर एक बार आप ज़रूर खाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों को ये सैंडविच बहुत पसंद आएगा और बहुत ही टेस्टी सैंडविच है। और इसी के साथ आप देखेंगे इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो बच्चों को आप ये चाहें तो टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इन सभी सब्जियों को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि सभी के किचन में अवेलेबल होती हैं। बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें नमक मिलाएंगे, और साथ ही हम मिलाएंगे इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची। ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़ें हम पहले भी मिक्स कर चुके हैं, तो आपको ये देखकर मिलाना है कि ज़्यादा ना हो जाए, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको दोनों ही मिक्सचर में यहाँ पर ये मिक्स करना है। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो दही है वो सब्जियाँ और मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए ये यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और इसी के साथ अब मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया। अगर आप इसमें धनिया नहीं डालना चाहते हैं तो इस स्टेप को आप यहाँ पर स्किप कीजिएगा। बाकी देखिएगा मैं तो अपनी हर रेसिपी में हरे धनिए का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हरे धनिए के बिना तो मेरी जितनी भी सॉल्टी रेसिपी है ना वो सब अधूरी है। तो आप देख लीजिएगा, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, अगर आपको इसमें हरा धनिया मिलाना है तो मिलाइए, नहीं मिलाना है तो छोड़ दीजिए। इन सभी चीज़ों को अब आप यहाँ पर स्पून की हेल्प से मिक्स कर दीजिए ताकि जो सभी चीज़ें हैं वो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और इसी के साथ अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक सैंडविच में लगेंगी 3 ब्रेड, तो 3 ब्रेड हम लेंगे और तीनों ब्रेड को हम यहाँ पर इस तरीके से एक साथ रख लेंगे। और अब आप देखिएगा इसमें हम फिलिंग किस तरीके से करेंगे।
तो सबसे पहली ब्रेड पर हम यहाँ पर लगाएंगे पनीर का मिक्सचर जो कि हमने यहाँ पर बनाकर पहले से तैयार करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको स्पून से कीजिए, लेकिन ये किनारियों तक ना अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अगर स्पून से ना हो तो आप यहाँ पर हाथों से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने भी ना यहाँ पर थोड़ा सा हाथों की हेल्प ले ली क्योंकि स्पून से सही से हो नहीं रहा था, तो मैंने भी हाथों से यहाँ पर कर दिया। और इसी के साथ दूसरी स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। और ये जो ब्रेड का दूसरा स्लाइस है इसके ऊपर जाएगा हमारा दूसरा मिक्सचर, यानी कि जो हमने पहले से यहाँ पर वेजिटेबल मिक्स करके मिक्सचर बना के रखा हुआ है दूसरे स्लाइस पर ये जाएगा। इसको भी हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से फैला लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों मिक्सचर जो है ना ब्रेड के किनारे तक अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाना चाहिए, तभी इस सैंडविच का मजा आएगा। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम इसको फैला देंगे स्पून की हेल्प से ही, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। और इसी के साथ सबसे लास्ट वाला जो स्लाइस है उसको हम रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए अब ये सेंकने के लिए एकदम तैयार है। अब इसी तरीके से सभी सैंडविच आप बनाकर एक प्लेट में तैयार करके रख लीजिए। ये देखिए ये सैंडविच यहाँ पर सिकने के लिए तैयार है। अब हम गैस पर तवे को गर्म करेंगे और इसी के साथ इस पर हल्की सी चिकनाई लगा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मैंने भी इसमें हल्का सा यहाँ पर नीचे चिकनाई लगा दिया है। और इसी के साथ अब हम लेंगे यहाँ पर जो हमने सैंडविच सेकने के लिए तैयार करके रखा हुआ है ना फुल फिल करके, ये देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना, अभी इसे सेकने दीजिए, इसका मज़ा तो तब आएगा। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रख देंगे और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि ये सैंडविच बिल्कुल ऐसा बनकर तैयार होगा जैसे कि आपने बाहर खाया होगा ना क्लब सैंडविच, आपने बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाया होगा या स्ट्रीट फूड होता है वहां पर आपने खाया होगा, तो आज बिल्कुल ऐसे ये सैंडविच हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। अब इसी के साथ ना आप कोई हल्के वेट वाली चीज ले लीजिए। ये देखिए बाउल है, इसमें मेरे कॉर्न है यहाँ पर वो रखे हुए हैं, इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ ब्रेड के ऊपर ताकि ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। ये जो हमने इसके ऊपर रखा है ना ये इसलिए रखा है ताकि जब ये सिकेगा ना तब आप देखेगा ब्रेड का जो पूरा कलर है ना वो चारों तरफ से एकदम सेम होगा, ऐसा नहीं है कहीं से ज्यादा कहीं से कम, हर तरफ से बिल्कुल इवन सिका होगा। ये देखिए अब इसको हटाते हैं और फ्लिप करके देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से सिक चुका है दोनों तरफ से। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर सेक लेंगे और इसी तरीके से सभी सैंडविचेस को हम सेकने के बाद तैयार कर लेंगे। ये देखिए सैंडविच हमारा यहाँ पर सिक कर तैयार है, दोनों तरफ से एकदम इवन कलर आया है। अब हम इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं इसको सर्व। सर्व करने से पहले सबसे पहले आप लीजिए नाइफ और इसको कट कर लीजिए। कट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इसको आप कट कीजिए इस तरीके से ट्राइंगल में। ये देखिए बहुत ही सावधानी के साथ हम इसको यहाँ पर कट करेंगे और हमारा जो क्लब सैंडविच है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, चाहें तो इसको टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए और बच्चों को टिफिन में दीजिएगा, बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी क्लब सैंडविच हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। है ना मजेदार रेसिपी, तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही नीचे मेरा चैनल आ रहा है माय किचन रेणु ठाकुर, इसी के सामने सब्सक्राइब बटन है तो प्लीज उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।